अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम पढ़ रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स। आज की जो वीडियो है उसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो इस बुक में चैप्टर 8 है। बुक हम पढ़ रहे हैं फ्रैंक एस बटनिक की, जो कि लिखी गई है अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो BBA MBA वगैरह में ये बुक पढ़ाई जाती है। अच्छा, ये चैप्टर यूनिक इस तरह से है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस मैथ्स के स्टूडेंट नहीं, बल्कि साथ ही साथ फाइनेंस के तमाम स्टूडेंट्स जो इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस फाइनेंस या फाइनेंस का कोई भी कोर्स पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इसमें वो तमाम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे जो एक फ़ाइनेंस के स्टूडेंट को बेसिक में पता होना चाहिए। यही बेसिक्स जो हैं वो आगे जाकर बाकी जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी बेसिस बनती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को गौर से देखिएगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आज की क्लास आपके लिए साबित होगी। तो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बेसिकली क्या है? मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है पैसे की वैल्यू चेंज हो जाती है, और यकीनन ऐसा ही होता है। आपने ये खुद ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि आज से अगर आप 10 साल पहले देखें तो 1000 रुपए की क्या वैल्यू थी और आज क्या उसकी वैल्यू है। यकीनन उसकी वैल्यू गिर चुकी है। 1000 रुपए की जो पहले परचेजिंग पावर होती थी, अब वो 1000 रुपए की परचेजिंग पावर नहीं है। तो उसकी जो वैल्यू है टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी बेसिकली यही कॉन्सेप्ट आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आज अगर मैं 10,000 की बात कर रहा हूँ, तो क्या 10 साल बाद भी यही 10,000 की परचेजिंग पावर रहेगी? यकीनन हरगिज़ नहीं रहेगी। तो 10 साल बाद क्या वैल्यू रहेगी इस 10,000 की? या फॉर एग्जांपल आज मैं अगर किसी को 10,000 देता हूँ और वो मुझे 10 साल बाद वो रकम वापस करेगा, तो उसकी परचेजिंग पावर क्या होनी चाहिए, मुझे उससे कितनी रकम डिमांड करनी चाहिए? एक रफ़ आइडिया, फॉर एग्जांपल हम ये डिसाइड करते हैं कि हर साल 10% जो है परचेजिंग पावर, या एक रफ़ आइडिया हम इन्फ्लेशन की ले लेते हैं कि हर साल 10% जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आज जो चीज़ 100 रुपये की है, एक साल बाद वो 110 रुपये की हो जाएगी, और इसी तरह इसमें हर साल 10% इंक्रीज़ होता जाएगा। तो 10 साल बाद जो वैल्यू होगी वो यकीनन 10,000 नहीं होगी, बल्कि कुछ ज़्यादा वैल्यू होगी। तो इसे हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, इसे हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। इसी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब किया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, और फाइनेंस बेसिकली पूरी की पूरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर ही बेस करती है। तो सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास में, वो है सिंपल इंटरेस्ट। यानी इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि आप किसी को अगर लोन दे रहे हैं और जब वो लोन वापस लेंगे तो जितने भी एडिशनल अमाउंट उससे लेंगे उसे इंटरेस्ट कहा जाता है, सूद कहा जाता है, मार्कअप कहा जाता है। तो इसके हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड दूसरा हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से मुराद ये है कि आपने जो कोई भी इन्वेस्टमेंट की है उस पर आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, उसी पर ही इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है, इस इन्वेस्टमेंट को हम फाइनेंस की लैंग्वेज में प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। 10,000 रुपीज़ मैंने इन्वेस्टमेंट की है और फॉर एग्जाम्पल जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे एक साल इन्वेस्टमेंट करता हूँ इस अमाउंट को, तो 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह अगर मैं इसे दो साल इन्वेस्ट करता हूँ तो 1,000 रुपये एक और मिल जाएंगे, यानी कि अब टोटल मेरे जो है वो 1,000 रुपये और हो जाएगा दूसरे साल का भी, तो टोटल इंटरेस्ट मेरा अब 2,000 हो जाएगा। इसी तरह तीसरे साल भी अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो 1,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे, तो इस तरह टोटल इंटरेस्ट मेरा 3,000 रुपये हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कि एक साल का जो इंटरेस्ट है जितने भी ईयर्स आपने इन्वेस्टमेंट की उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी सिंपल टर्म्स में हम यूँ कहते हैं कि इंटरेस्ट अगर आपको कैपिटल आई से शो किया जाता है, इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक साल के लिए चाहिए तो इंटरेस्ट बराबर होगा, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10%, तो 10/100, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 1,000।
अब ये एक साल के लिए, दो साल के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय टू, तीन साल के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय थ्री, चार साल के लिए चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय फोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी साल के लिए चाहिए आप उसे एन से यानी नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी आपकी टोटल इंटरेस्ट बनती है। सिंपल इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है उसी पर मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो कर जाती है और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है और नेक्स्ट ईयर उस पूरे अमाउंट पर आपको प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पहला साल है आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट की थी, 10,000 का इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल 10% है तो 10% बनता है 1,000 रुपीज़। तो अब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट अगले साल होगा वो 1,000, यानी अगर टोटल इंटरेस्ट हम बात कर लें या टोटल इन्वेस्टमेंट अब आपकी कितनी हो गई ये अगर हम बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट अब आपकी हो चुकी है 11,000, क्योंकि 10,000 आपने शुरू में इन्वेस्ट किए थे, 1,000 रुपीज़ उस पर इंटरेस्ट मिला आपको, तो 11,000 आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब जब दूसरे साल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि वही पूरे 11,000 इन्वेस्ट हुए हैं दूसरे साल भी, तो इस 11,000 का 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो कि बनता है 1,100 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि अब दूसरे साल के आखिर में आपका जो टोटल अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा 11,000 प्लस 1,100 जो कि बनता है 1,100। और जब आप तीसरे साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा अब वो 1,100 इन्वेस्टेड है, 1,100, और इस पर जो है 12,100 आपका जो इन्वेस्टेड है इस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 1,210 बनता है। तो आपका टोटल जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट बन जाती है वो 13,310 बन जाती है। तो अगर आप गौर करें, तीन साल में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो तीन साल में 1,000 रुपये एक साल के बनते हैं, तो तीन साल का टोटल इंटरेस्ट बनता है 1,000 × 10/100 × 3 यानी कि 3,000। लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप अगर गौर करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट 13,310 बन चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 310 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से ये फ़ायदा हुआ कि 310 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। खैर, ये तो अभी सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, हम इस पर और मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब इस पर हम कुछ और सवालात आगे एग्जांपल्स के तौर पर करते हैं। सपोज़ आपकी जो कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी होती है उस पर भी बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, ये कंपाउंडिंग जो हो रही थी ये साल में एक बार हो रही थी, यानी हर साल आप जो है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कंपाउंडिंग एनुअली बेसिस पे नहीं होती बल्कि हर 6 माह बाद होती है, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यूँ कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट, वही आपने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो हर 6 महीने बाद मिलेगा, और जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली, यानी कि हर 6 माह बाद आपको 10% मिलेगा, और ये कंपाउंडिंग है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जाए कि आपको जो है वो कितने पैसे मिलेंगे और क्या इसकी कैलकुलेशन होगी, तो उसके लिए हम सिंपल से एक फार्मूला बनाएंगे और उस फॉर्मूले से वर्किंग करेंगे। तो फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के करते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के करते हैं, उसके बाद फिर इसकी फ्रीक्वेंसीज पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त मैं करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1। 8.1 के सवालात मैं अपनी स्क्रीन पर खोल लेता हूँ। 8.1 अगर 8.1 की अगर हम बात करें, जी यहाँ पर हमारे पास 8.1 आ गया। बहुत ही सिंपल से सवालात हैं, 5 से 6 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में। सवाल में कहा गया, कंपनी हैज़ इशूड अ 5-ईयर लोन ऑफ 90,000 टू अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट टू फाइनेंस उसकी कोई किसी चीज़ प्रोजेक्ट के लिए उसको दिया था। तो टर्म ऑफ द लोन आर दैट इट इज़ टू बी पेड बैक इन फुल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स विद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट 8% पर ईयर। तो सिंपल बताया गया है कि हम एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं, और पहले सवाल की हम बात कर रहे हैं। पहले सवाल का डेटा मैं बनाने जा रहा हूँ सबसे पहले, कि जो इन्वेस्टमेंट है यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें गिवन है 90,000 रुपीज़।
और कितने साल के लिए दिया गया है, ये 5 साल के लिए दिया गया है, तो इसे हम एन कह देते हैं, एन इज इक्वल टू 5 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर ईयर, इसको स्मॉल आई से शो करते हैं, 8% पर ईयर। और ये पूछा गया है कि 5 साल बाद कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8/100, और ईयर्स है हमारे पास 5। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 90,000 इंटू 0.08 इंटू 5, तो ये 36,000 हमारे पास आंसर आता है। तो इट मींस कि 5 साल बाद जो उसको इंटरेस्ट वापस करना है वो 36,000 होगा। मींस टोटल उसको कितना वापस करना है, 90,000 प्लस 36,000, ये कुल मिलाकर उसे रकम वापस करनी होगी। अच्छा जी, उम्मीद है तो ये सवाल आपको समझ आया होगा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें सिंपल इंटरेस्ट ही यूज़ किया गया था, और सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू पिन आप कह सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, दूसरा सवाल भी बिल्कुल एक जैसा ही है। सवाल में कहा गया, स्टूडेंट हैज़ रिसीव्ड अ 30,000 लोन from a wealthy aunt in order to finance his 4-year college program. The terms are that a student repay his aunt in full at the end of 8 years. 8 साल बाद उसको वापस करने हैं, सिंपल इंटरेस्ट होगा और 4% पर ईयर होगा। बताइए इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा 8 साल बाद। तो इसका बिल्कुल सेम डेटा बनाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 4%, और 8 साल के लिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% और टाइम ड्यूरेशन है 8 ईयर्स। तो 8 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, फॉर्मूला हम लगाएंगे, कैपिटल आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय जो भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 30,000, इंटरेस्ट है 4% और 8 ईयर्स के लिए है। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं, 30,000 इंटू 0.04 इंटू 8, तो आंसर आया है 9,600 रुपीज़। इसका मतलब 9,600 का उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, मींस जब वो 8 साल बाद पैसे वापस करेगा तो 39,600 उसको वापस करना होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, अ वुमेन हैज़ परचेज्ड 150,000 वर्थ कॉरपोरेट बॉन्ड्स, दी बॉन्ड्स एक्सपायर इन 20 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड सेमी एनुअली। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात, जो इंटरेस्ट कंप्यूट किया जा रहा है वो सेमी एनुअली कैलकुलेट किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है वो सेमी एनुअली कैलकुलेट किया जा रहा है, 7% पर 6 मंथ। तो इंटरेस्ट इज 7% पर ईयर नहीं है बल्कि पर 6 मंथ है, और उसके बाद जो है इंटरेस्ट चेक्स आर मेल टू द बॉन्ड होल्डर्स एवरी 6 मंथ। जो भी बॉन्ड होल्डर होता है, इन्वेस्टर होता है, उसको हर 6 महीने बाद उनके इंटरेस्ट की जो भी पेमेंट है वो उसके चेक भेज दिए जाते हैं। डिटर्मिन द इंटरेस्ट रेट वुमेन कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 6 मंथ, और बताइए कि इंटरेस्ट हर 6 महीने बाद उसको कितना मिलेगा, पहली बात तो ये बताइए, और दूसरा ये बताइए कि 20 साल के दौरान ही हमें उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो पहले तो ये पूछा गया कि 6 महीने बाद कितने कितने पैसे उसको मिलेंगे, तो उसकी इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपये है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 1,50,000 रुपये, और टाइम ड्यूरेशन हमारे पास 20 ईयर्स है, राइट जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पूछा गया कि कितना इंटरेस्ट उसको मिलेगा एक सिंगल पेमेंट में, ठीक है। डिटरमिन द इंटरेस्ट वुमेन कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 6 मंथ, हर 6 माह बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो उसने इन्वेस्टमेंट की है 1,50,000 रुपये की, जिसका इंटरेस्ट मिलेगा उसको 7%,
एक लाख पचास हज़ार का 7% हम निकालते हैं, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.07, तो ये अमाउंट बनती है 10,500। 10,500 उसे हर 6 माह बाद, यानी एवरी 6 मंथ, हर 6 माह बाद उसे 10,500 रुपीज़ मिलेंगे। और सिंपल सी बात है, अगर हर 6 महीने में 10,500 रुपये मिल रहे हैं तो 20 साल में कितने होंगे, 20 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे, 40 बार आएंगे, क्योंकि एक साल में 2 बार 6 माह आते हैं। तो टोटल उसकी पेमेंट कितनी हो जाएगी, 10,500 × 20, जो कि बनता है इसे सॉरी इंटू 40, क्योंकि 40 साल के लिए हो रहा है, इंटू 40, तो ये बनता है 4,20,000 रुपये। अच्छा, इस सवाल को करने का एक और तरीका भी हो सकता है, अगर पार्ट बी आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसका दूसरा तरीकेकार ये हो सकता है कि आप फॉर्मूला लगाएं, पी इज इक्वल टू सॉरी आई इज इक्वल टू पी इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू एन। अब प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल है 1,50,000 रुपये। इंटरेस्ट रेट कितना है, अब अगर 7% 6 माह का है, सिंपल इंटरेस्ट में तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, 7% अगर 6 माह का है तो एक साल का 14% होगा, तो हम 14/100 कर देंगे। और कितने साल के लिए किया गया है, ये 20 साल के लिए किया गया। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.14 मल्टीप्लाइड बाई 20, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा, 4,20,000 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट में याद रखिएगा, आपको अगर सेमी एनुअल दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, वो साल का इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर आपको साल का दिया हुआ है 6 महीने का निकालना चाह रहे हैं, डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, तो आपको 6 माह का मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो ये काफ़ी ईजी रहता है, कंपाउंडिंग में फिर वो काफ़ी कॉन्सेप्ट बन जाते हैं कि हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल कर उसके बाद उसको कन्वर्ट करना होता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन 2 आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक मेजर एयरलाइन है, वो प्लान कर रही है परचेज न्यू एयरप्लेन्स, इट वांट टू बोरो 800 मिलियन बाय इशूइंग बॉन्ड्स। ठीक है जी, 800 मिलियन उनको अर्न करने हैं बॉन्ड्स इशू करके। दी बॉन्ड्स आर फॉर अ 10-ईयर पीरियड विद द सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। बिल्कुल वही सवाल आ गया, लेकिन पिछले सवाल में हमारे पास 6 माह बाद जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था, अब ये सिंपल इंटरेस्ट ही है लेकिन क्वार्टरली है, मीन्स हर 3 माह बाद। क्वार्टर का मतलब साल का चौथा हिस्सा होता है, और अगर 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 माह आंसर आएगा, यानी हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। और हर 3 महीने का इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, 2% पर क्वार्टर। आगे क्या कहा गया, इंटरेस्ट इज टू बी पेड ईच क्वार्टर टू बॉन्ड होल्डर्स। हाउ मच विल दी एयरलाइन हैव टू पे इन क्वार्टरली इंटरेस्ट एंड हाउ मच इंटरेस्ट। बिल्कुल सेम सवाल है कि क्वार्टरली इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा और पूरे 10 साल में कितनी पेमेंट होगी। तो इसका हम डेटा बना लेते हैं, बल्कि पूरा सवाल ही सॉल्व कर लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे थे, 800 मिलियन। आ गया, आप चाहें तो 800 आगे लिख के मिलियन भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 2% पर क्वार्टर, 2% पर क्वार्टर, और उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट इज टू पेड ईच क्वार्टर टू बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है, और 10 साल का टाइम पीरियड है, तो एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स। अच्छा जी, इसके बाद अब पार्ट ए में पूछा गया कि एक क्वार्टर में कितना जो है वो अमाउंट दिया जाएगा। तो पार्ट ए में हम कहेंगे 800 मिलियन का 2%, यानी 2/100। तो 800 × 0.02, जो कि बनता है 16 मिलियन। तो हर क्वार्टर में 16 मिलियन इनको पे होंगे, और पार्ट बी में पूछा गया कि पूरे 10 साल में कितने मिलेंगे। तो अगर एक क्वार्टर में 16 मिलियन मिल रहे हैं तो 10 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 10 साल में 40 क्वार्टर होंगे, तो आप इसे मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे, तो 640 मिलियन।
ठीक है जी, तो उम्मीद है ये सवाल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें एक टेबल बनाने का बोला गया है। अगर आपने गौर किया हो तो इस वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट समझाने शुरू किया था तो उसमें वैसा ही टेबल बनाया था। तो सिंपल सा टेबल है, कहा गया 10,000 के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हैं। ये एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, जो फाइनेंस आगे जाके पढ़ेंगे उनको मालूम होगा कि हमारे पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो 8% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब कंपाउंडिंग की बात आ रही है, अब हमारा सवाल चेंज हो गया है। अब कंपाउंडिंग हो रही है तो उसका मतलब ये है कि हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा अब वो पिछले प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर मिलेगा। तो 10,000 आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपने इन्वेस्टमेंट की है, 8% पर ईयर है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, और कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल विद रिगार्ड टू सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, व्हाट इज़ टोटल इंटरेस्ट ओवर 2 ईयर पीरियड। पहली तो मैंने टेबल कंप्लीट करना है, मैं इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ताकि हम इसी को यहाँ कंटिन्यू कर सकें। राइट जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10,000, ये पहले से वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई है, पहले इसकी बात करते हैं। तो अगर इसमें आप गौर करेंगे, जो 10,000 का अमाउंट है इसका इंटरेस्ट 400 कैसे बना है। 10,000 का अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है और 8% इसका इंटरेस्ट है, तो 8/100, और क्योंकि ये सेमी एनुअल है तो इसे डिवाइडेड बाई 2 भी किया गया है। तो 8% को मैं 0.08 लिख देता हूँ, 0.08 क्योंकि 8/100, और फिर डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि सेमी एनुअली है। यानी इसे हम ये एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही हो तो हम जो एनुअल रेट दिया उसे 2 से डिवाइड करते हैं, क्वार्टरली हो तो उसे 4 से डिवाइड करते हैं, इसी तरह मंथली हो तो 12 से डिवाइड करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 2, क्या यही अमाउंट बनती है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल यही 400 रुपये अमाउंट बनती है। तो अब कंपाउंड कितना हो गया? 10,400। तो अब जब नेक्स्ट ईयर की बात आएगी, नेक्स्ट ईयर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 नहीं बल्कि 10,400 हो चुका है। तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,400 पर 0.08/2, यानी कि 10,400 मल्टीप्लाई बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनता है 416 रुपीज़। बल्कि मैं इसकी वर्किंग भी शो कर देता हूँ ताकि टेबल बाद में भी समझने में आपको आसानी हो। ये इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकली है? 10,400 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि सेमी एनुअल है, तो हमारे पास आंसर आया 416। तो अब आपका कंपाउंड अमाउंट कितना बन गया? 10,400 पहले से था प्लस 416 अब आ गया, तो फिर ये 10,816 हो गया। अब जब नेक्स्ट ईयर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10,816 आपके अकाउंट में मौजूद है, और इस 10,816 का आपको 8% एनुअली बनता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सेमी एनुअली बन जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर आता है 432.64। करेंसी हो तो फिर 2 डेसिमल प्लेस तक आप आंसर लिखते हैं, क्योंकि सेंट होते हैं तो फिर वो 64 सेंट्स बन गए। तो अब आपकी जो अमाउंट बनी है वो कितनी बनी है, इसमें हम ऐड कर लेंगे 10,816 यानी जो पिछली अमाउंट थी, तो अब कुल मिलाकर हमारे अकाउंट में कंपाउंड अमाउंट जो मौजूद है वो है 11,248.64। अब जब चौथे साल की हम बात करेंगे तो 11,248.64 हमारे अकाउंट में मौजूद हैं, और इसका हम 8% निकालेंगे, 11,248.64 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आता है 449.94, तकरीबन 500 रुपये, 945 है तो 95 लिख देते हैं। और जब इसमें हमने प्लस किया 11,248.64 तो आंसर आता है 11,698.59। तो ये हमारे पास जो अमाउंट बना है ये कंपाउंड अमाउंट है। अब इसमें अगर आप गौर करें कि यहाँ पर जो आपको अमाउंट मिल रहा है ये बहुत बड़ी वर्किंग के बाद मिल रहा है,
अगर ये सवाल फॉर एग्जांपल ये चार सेमी एनुअल पीरियड्स हैं यानी 2 साल की बात करें, पहले सवाल को पूरा कर लेते हैं फिर इसके फॉर्मूले पर भी डिस्कशन करते हैं। तो अब हमें पार्ट ए का आंसर तो आ गया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, लेकिन पार्ट बी में कहा गया है कि व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट ओवर द 2 ईयर पीरियड, 2 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला है। तो हम ये जो जितने भी इंटरेस्ट की वैल्यूज़ हमारे पास 1, 2, 3, 4 इनको ऐड कर लेंगे। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट में तो मुझे मालूम है 400 है, 400 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता तो 1600 रुपये आंसर आ जाता, लेकिन ये क्योंकि कंपाउंड है इसलिए देखें हर अगले साल हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता जा रहा है। तो 400 प्लस 416 प्लस 432.64 एंड प्लस 449.95, तो हमें इंटरेस्ट मिला है 1698.59। अच्छा, अब इस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि इस सवाल में हो क्या रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम करने जा रहे हैं जो अगली एक्सरसाइज 8.2 में भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसमें अगर आप गौर करें हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 1698.59। इस फॉर्मूले इसका अगर हम कोई फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें, बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हमने जो 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं हम इस 10,000 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 0.08/2 से और फिर उसमें दोबारा वही वैल्यू 10,000 प्लस कर रहे थे। यानी कि हम पहले परसेंटेज में भी सीख चुके हैं कि अगर किसी वैल्यू को 8% इंक्रीज़ करना है तो आप पहले 8% निकालें फिर उसमें 8% ऐड करें, उससे बेहतर ये है कि आप उसका डायरेक्टली 108% निकाल लें। ठीक है, इसी तरह अगर आप में कोई वैल्यू है फॉर एग्जांपल 500 रुपये हैं, इसमें कहा जाए कि इसमें 10% ऐड कर लीजिए, तो 500 का 10% 50 होता है, तो आपने पहले 10% फाइंड आउट किया फिर उसको ऐड किया तब जाके 550 आपके पास आंसर आया। लेकिन इसका डायरेक्ट वे ये हो सकता है कि आप 500 का 10% ऐड करना है तो आप 110% निकाल लीजिए तो आपको डायरेक्ट आंसर 550 मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको 10% माइनस करना है तो 100% से 10 माइनस कर दीजिए, आप 90% निकाल लीजिए तब आपको 450 आंसर मिल जाएगा। मीन्स अगर आपको किसी वैल्यू को बढ़ाना हो तो 1+ जो रेट हो उससे मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर कम करना हो तो 1- जो रेट हो उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर इसमें अगर मुझे 4% इंक्रीज़ करना है, यानी कि हम 1+0.08/2 ये वाली वैल्यू हम हर साल इसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले साल की अगर आप गौर करें तो यही वैल्यू निकली 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1+0.08/2 0.08/2 0.04 बनता है, 0.04 में 1+ करेंगे तो 1.04 बनेगा, और अगर आप 1.04 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट मिल जाएगा 10,400। ये एक ही फॉर्मूले से मिल गया। अब उसके बाद ये जो अमाउंट थी 10,400 की अमाउंट थी, आपने इस पूरी वैल्यू को यानी ये वाली वैल्यू, इस पूरी वैल्यू को दोबारा आपने मल्टीप्लाई किया है 1+0.08/2 से, तब आपको 2 साल बाद की वैल्यू मिली। इसी तरह तीसरे साल के लिए चाहिए तो आप इस पूरी वैल्यू को एक और बार इसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 1+0.08/2 से। तो देखा जाए जितने साल के लिए आपको वैल्यू चाहिए आप वहीं उसकी पावर बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आप गौर करें ये सारी चीज़ जो ये 1169.8.59 है, आपको ये डायरेक्टली निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1+0.08/2, और ये कितनी कंपाउंडिंग हो रही है, 4 पीरियड के लिए हो रही है तो पावर 4। तो अगर आप इसे कैलकुलेटर में डायरेक्टली कैलकुलेट करें तब भी आपको 1169.8.59 का आंसर मिलेगा। और जो इंटरेस्ट हमने निकाला था, हमने इन चारों वैल्यूज़ को एक एक करके ऐड किया था, आप यूँ भी कर सकते हैं कि 10,000 शुरू में इन्वेस्ट किए थे और अब वो 1169.8 हो चुके हैं तो आप इसमें से माइनस करें तब भी आपको यही आंसर मिलेगा जो यहाँ पर आंसर आ रहा था। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस एक सवाल की वजह से। खैर, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया था सम ऑफ 500,000 हैज़ बीन प्लेस्ड इन एन इन्वेस्टमेंट विच अर्न्स इंटरेस्ट रेट एट 12% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंपाउंडिंग के लिए एंड व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर। तो 4 पीरियड का हमें जो है वो टेबल कंप्लीट करना है, बिल्कुल पिछले सवाल के जैसे होगा लेकिन हम थोड़ा सा इसको फिल कर लेते हैं और मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली इसी तरह फॉर्मूला से निकाल कर बता देता हूँ कि कैसे आएगा। तो देखें इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि हमारे पास कितना दिया हुआ है 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ये 15,000 कैसे आया होगा, जो पहले हमारे पास अमाउंट था 500,000, मैं यहाँ कर देता हूँ, जो 500,000 का अमाउंट है इसे मल्टीप्लाई किया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 12%, 12% का मतलब 0.12 होगा क्योंकि 12/100, और कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं।
ठीक है जी, यानी अक्सर स्टूडेंट गलती से थ्री से कर लेते हैं, कहते हैं क्वार्टर का मतलब 3 महीने होता है तो इसलिए हम थ्री लिखेंगे। नहीं, इस कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब यह है कि साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो इसलिए डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अगर कंपाउंडेड मंथली हो, इसका मतलब साल में 12 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो आप नीचे 12 लिखेंगे, यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है कंपाउंडिंग की वो लिखी जाती है। और टोटल पीरियड, तो ये इस तरह आपने यहाँ लिख दिया टोटल पीरियड को, फिलहाल हम जब फाइनल फॉर्मूला देखेंगे तब देखेंगे। तो ये 500,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12 अपॉन 4, 500,000 मल्टीप्लाई बाय 0.12 अपॉन 4, तो हमारे पास यही 15,000 आंसर आया। तो अब 515,000 रुपये हमारे अकाउंट में इन्वेस्टेड हैं। तो अब जब सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे तो अब कहेंगे 515,000 रुपये हमारे अकाउंट में इन्वेस्टेड हैं, और इंटरेस्ट कितना होगा, 515,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 अपॉन 4, तो ये आंसर बन जाएगा 515,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 अपॉन 4, तो ये आंसर बनता है 15,450। तो अब हमारे अकाउंट में कितने पैसे मौजूद हैं, 515,000 प्लस 15,450, तो ये बन जाते हैं 530,450। ये हमारे पास है कंपाउंड अमाउंट। अब इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, तो फाइनल आंसर जो चौथा आपका आएगा वो क्या होगा, इसको हम डायरेक्टली भी फॉर्मूला जो भी मैंने सिखाया आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट की है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.12 क्योंकि 12% रेट है और कंपाउंडिंग साल में 4 बार हो रही है, तो पावर डिवाइडेड बाय 4, और कितने पीरियड्स के लिए चाहिए, 4 पीरियड्स के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पावर 4 रख दीजिए। तो अब जो आपको फाइनल आंसर मिलता है, मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, 500,000 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस 0.12 अपॉन 4 और उसकी होल पावर 4, तो हमारे पास आंसर आया 562,754, यानी यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 562,754.405। और टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ, आप 5 लाख में से आप ये माइनस कर दीजिए, 62,754 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो आपने ये देखा होगा कि कंपाउंडिंग जब चेंज हो रही होती है फ्रीक्वेंसी, तो आपने बस उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करना होता है। तो अब क्वेश्चन 7 में देखें क्या कह रहा है, जो एक्सरसाइज 5 यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 5 था यहाँ पर, ये वाला सवाल, इसी को देखकर आपने 2 ईयर्स इफ़ कंपाउंडेड क्वार्टरली हो सेमी एनुअली के बजाय, तो अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होगी सेमी एनुअली के बजाय, तो सेमी एनुअल क्वार्टर के 2 साल में कितने पीरियड होते हैं, 8 पीरियड होते हैं, तो 4 के बजाय ये टेबल पूरा 8 वैल्यूज़ तक जाएगा और फिर आप 8वीं वैल्यू देखेंगे और आप कैलकुलेट करेंगे। और उसमें जो है जो इंटरेस्ट हम 2 से डिवाइड कर रहे थे इंटरेस्ट रेट को, अब आप 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि क्वार्टरली हो रहा है। इसी तरह अंडर विच कंपाउंडिंग प्लान सेमी एनुअली और क्वार्टरली इज़ दी टोटल इंटरेस्ट हायर, तो आपको ये देखना होगा कि टोटल इंटरेस्ट किस में ज़्यादा हायर हो रही है। तो याद रखिएगा एक बात कि कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है आपको इंटरेस्ट उतना ज़्यादा मिल रहा होता है। यही बात अगर आपको यकीनन इस बुक में, हाँ यहाँ पर देखिए जी, ये आपको एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है कि देखिए जी, ये तो खैर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हो रहा है, ये कंपाउंडिंग हो रही है। जैसे देखें सिंगल अमाउंट है, अगर सिंपल इंटरेस्ट है, एक आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 10 साल बाद वो आपको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये कितने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये आपको टेबल में बताया गया है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं सिंपल इंटरेस्ट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो 10 साल बाद वो अमाउंट डबल हो जाएगी। जाहिर सी बात है अगर हर साल 10% मिल रहा है तो 10 साल में 100% मिल जाएगा, मीन 10,000 20,000 बन जाएंगे। लेकिन अगर ये कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है तो फिर वो 20,000 के बजाय 25,000 बनेंगे, सेमी एनुअल हो रहा है तो 26,000 बनेंगे, क्वार्टरली हो रहा है तो 26,850 और ज़्यादा बढ़ जाएगा, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो तो और ज़्यादा होगा। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जब भी कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो आपके इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ जाता है। तो इसमें हम बगैर कैलकुलेशन के, बगैर वर्किंग के भी बता सकते हैं कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली जो हो रही है, यकीनन 2 साल में उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली से ज़्यादा होगा और एनुअली से भी ज़्यादा होगा और सिंपल से तो लाजमी ज़्यादा होगा। और बाय हाउ मच कह रहा है, तो फिर आप वो जो दोनों हम क्योंकि क्वेश्चन 5 में 4 पीरियड्स की तो कंपाउंडिंग कर चुके हैं, आप क्वार्टरली करके 8 पीरियड्स की कंपाउंडिंग करेंगे, उसमें जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा होगा दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, वो क्वेश्चन 6 की बात कर रहा है कि डिटरमिन द कंपाउंड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली इंस्टेड ऑफ क्वार्टरली। तो फिर आपने ये देखना है कि अगर ये क्वार्टरली हो जाए, यानी क्वार्टरली के बजाय सेमी एनुअल हो जाए, तो ज़ाहिर साल में सिर्फ 2 बार होगी,
तो फिर कौन सी इसमें जो है वो इंटरेस्ट हायर मिल रहा है, तो इसमें भी वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो यहीं पर ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई है। इस एक्सरसाइज में क्योंकि बहुत कम सवाल थे तो इसलिए मैंने किसी भी सवाल को स्किप नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको बेहतर समझ आई होगी। इसी को ही हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू